हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरि नाम प्रेस वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अवश्य शेयर करें। साधुवाद प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा माने पूर्णिमा तिथि है, जैसे अमावस्या, द्वादशी, त्रयोदशी, पंचमी, एकादशी होती है, ऐसे आज पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा इसलिए है कि आज ज्ञान के आदि गुरु श्री वेद व्यास जी का जयंती है, जन्म दिवस है। ज्ञान का जो आदि स्रोत है और ज्ञान को जो प्रदान करने वाला है, वह आदि गुरु हैं श्री व्यास जी। व्यास जी क्यों है? ज्ञान की परंपरा सृष्टि में कब प्रारंभ हुई? व्यास जी से प्रारंभ हुई। और ज्ञान का आदि स्रोत जो है वो है वेद। वेद भगवान ने लिखे नहीं, वेद भगवान के अप्रयास, बिना प्रयास, बिना कोशिश किए हुए श्वास हैं। भगवान ने जोर से श्वास लिया, जोर से क्या, श्वास लिया, बस श्वास लिया सृष्टि के प्रारंभ में, और वेदों की रचना हो गई, वेद प्रकट हो गए। अब वेद प्रकट हो गए तो वेदों की भाषा, वेद इतने गूढ़ थे कि उनको एलाबोरेट करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट की गई। उस पोस्ट का नाम हुआ व्यास, वेद व्यास। तो वेद व्यास में भी कभी तो योग्य व्यक्ति प्राप्त हो जाता है उस पोस्ट के लिए, अन्यथा भगवान कृष्ण ही स्वयं वेद व्यास रूप में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। इस कल्प में भगवान स्वयं कृष्ण ही वेद व्यास हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास अनेक हुए, अनेक अनेक कल्पों में अनेक अनेक नाम के वेद व्यास हुए हैं। इस बार श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेद व्यास हैं, जिन्होंने वेद को फिर चार भागों में विभक्त किया। और कुछ लोग कहते हैं तीन में किया, जो भी हो, फिर वेद का भी कठिन हुआ समय के हिसाब से, फिर वेदों के सार रूप में एक ब्रह्म सूत्र की रचना हुई। फिर ब्रह्म सूत्र में भी इतना कठिन हो गया कि जन सामान्य उसको भी समझने नहीं लगा। सर्वप्रथम शंकराचार्य जी ने उसका एक भाष्य लिखा और उस भाष्य के अनुसार सरलीकृत करके, यद्यपि आज समय ये है कि हम लोग उस भाष्य को भी नहीं समझ पाते हैं, फिर अन्य अन्य ग्रंथ और टीकाएं लिखी गई, अस्तु उस भाष्य के अनुसार उन्होंने लोगों में वेद का, धर्म का प्रचार किया। और उसके पश्चात और विद्वान प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं, ये शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किया है ये ब्रह्म सूत्र का सही अर्थ नहीं है, सही अर्थ ये है। उन्होंने एक दूसरा भाष्य लिखा, रामानुजाचार्य। ऐसे ही फिर रामानुजाचार्य के कुछ अनुयायी हुए, उन्होंने कहा हाँ ये बात हमको समझ आती है, शंकराचार्य की बात समझ नहीं आती है। ऐसे ही फिर तीसरे, चौथे, पांचवें और छह, कुल मिला के अभी तक छह आचार्य हुए जिन्होंने भाष्य लिखे। तो इस प्रकार से जगत गुरु बने, जगत गुरु के बाद में
फिर गुरु परंपरा चली, गुरु परंपरा के रूप में फिर हम आप जैसे जीव गुरु का पादाश्रय लेते रहे, गुरु से दीक्षा लेते रहे, गुरु से शिक्षा लेते रहे, गुरु से अध्ययन करते रहे और एक परंपरा से हम चले आए। अब बात करते हैं गुरु। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा के ज्ञान दे। अब आपने देखा कि किसी समय में वेद एक था, अब ब्रह्मसूत्र बना और ब्रह्मसूत्र के 6 भाष्य हो गए। मतलब आप ये समझिए कि देयर आर 6 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, लेकिन ये जो 6 यूनिवर्सिटीज हैं ये एफिलिएटेड हैं और जो दूसरी दूसरी हैं वो सब अनएफिलिएटेड स्कूलों की तरह से चल रही हैं, तो उनकी मान्यता कुछ नहीं है। वो मनोरंजन है, वो कहने के लिए हैं, लेकिन कभी जब उनके सर्टिफिकेट और उनसे पढ़ाई करके व्यक्ति जाएगा तो न तो उसको नौकरी मिलेगी न उसकी कोई मान्यता है। तो ऐसे अनएफिलिएटेड गुरुओं के आश्रय में रहकर यदि हम भजन भक्ति साधना कर रहे हैं तो भजन के प्रभाव से या तो हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में दोबारा से पहुंच के भगवत को प्राप्त करेंगे, अन्यथा हमें भगवान की चरण सेवा प्राप्त नहीं होगी, ना कोई लोक प्राप्त होगा। और ऐसे जो अनअफिलिएटेड गुरु हैं उनको वृंदावन धाम भी अंतिम समय में नहीं मिलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है। तो गुरुदेव जो अज्ञान को दूर करे, गुरुदेव अनेक प्रकार के हैं। एक तो श्रवण गुरु हैं जिनसे हम ये कथा सुनते हैं, बातें सुनते हैं, हमें धर्म में कृष्ण में रुचि उत्पन्न होती है, वो भी हमारे गुरु हैं। उसके बाद वही श्रवण गुरु या दूसरे कोई ऐसे सज्जन संत हैं जो हमें भजन की शिक्षा देते हैं, ऐसा करो, ऐसे तिलक लगाओ, ऐसी माला करो, ये ग्रंथ पढ़ो, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, वो शिक्षा गुरु है। उसके बाद वही शिक्षा गुरु या श्रवण गुरु भी दीक्षा गुरु हैं। दीक्षा का अर्थ है कि आपका अब प्रॉपर एडमिशन हो गया। कल मैं एक मैया से बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि देखो प्रभु जी, ये संप्रदाय संप्रदाय का कोई झगड़ा नहीं है, हमको तो कृष्ण से मिलना है। तो मैंने उसको तपाक से उत्तर दिया, मैंने कहा देखो आप वही बात कर रही हो कि मेरे को ग्रेजुएशन करना है, ये कॉमर्स साइंस आर्ट एमबीए बीबीए ये इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझको आप ग्रेजुएशन करा दीजिए। मेरा ये साइंस कॉमर्स में करना है कि साइंस में करना है कि आर्ट्स में करना है कि मैनेजमेंट में करना है कि आईटी इंजीनियरिंग में करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा क्या आप ग्रेजुएशन कर पाएंगी? तो उसकी ऐसे मतलब फ़ोन से बात हो रही थी, ऐसे लगा जैसे आँख सी के प्रभु जी ये क्या। मैंने कहा हाँ यही यही है संप्रदाय। अरे आप पहले अपना स्ट्रीम डिसाइड करिए कि आपको कॉमर्स से ग्रेजुएशन करना है, आपको साइंस से ग्रेजुएशन करना है, आपको मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन करना है, उसी के लिए ही ये गुरु धारण है। आपको ईश्वर के कृष्ण रूप की उपासना करनी है कि राम रूप की उपासना करनी है के नृसिंह रूप की उपासना करनी है, फिर उस उपासना में भी कृष्ण की ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की उपासना करनी है के द्वारकाधीश की उपासना करनी है के मथुराधीश की उपासना करनी है, किस कृष्ण के भी किस रूप की उपासना करनी है, तो उस ट्रैक पर आपको जाना होगा। आपको मुंबई से वृंदावन आना है, बोले ये सब प्रभु जी ये ट्रेन में जाना है कि बस में जाना है, ये हवाई जहाज में जाना है, ये सब फालतू की बात है, मुझको बस वृंदावन जाना है। अरे तू मैया वृंदावन पहुंचेगी, पहले ये डिसाइड कर कि बस से जाना है, अपनी गाड़ी से जाना है कि ट्रेन से जाना है, फिर ट्रेन में ये डिसाइड कर किस ट्रेन से जाना है, फिर किस ट्रेन में ये डिसाइड कर
कि ट्रेन के जनरल बोगी में जाना है, रिजर्वेशन में जाना है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, किस में जाना है? जिसमें जाना है उसकी टिकट लेगी, फिर टिकट लेने को तेरे को एक सीट नंबर मिलेगा, फिर उस सीट नंबर पर बैठेगी, तब गाड़ी चलेगी, तब वृंदावन पहुंचेगी। अरे ये सब चीजें सोचे विचारे बिना वृंदावन पहुंचेगी कैसे? ऐसे ही स्ट्रीम निश्चित नहीं करोगे। गुरु धारण करने का मतलब है कि आपने सजातीय अपनी उपासना के अनुसार एक अपना गाइड डिसाइड कर लिया और वो गाइड आपको उस सब्जेक्ट का, उस उपासना का एक्सपर्ट है, वो आपको गाइड करता रहेगा, वो खुद भी वहां तक पहुंचा हुआ है और आपको वहां तक पहुंचा देगा। दैट्स ऑल। जैसे तीर्थ स्थानों पर या विजिटर्स पर गाइड होते हैं, हमें पता नहीं होता, वो कहता है ये मीनार है, ये फलाने में बनी, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, बता देता है हमें। ऐसे ही जैसे हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने के लिए एक तो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होती है, कॉलेज एफिलिएटेड होता है, उसके बाद जो हम एक गाइड को नियुक्त करते हैं वो गाइड एलिजिबल होता है पीएचडी कराने के लिए। प्रोफेसर कॉलेज में बहुत होते हैं लेकिन पीएचडी कराने के लिए एलिजिबल कुछ खास प्रोफेसर होते हैं। फिर वो प्रोफेसर हमारा गाइड बनता है, वो हमें सिनोप्सिस तैयार कराता है। उसके बाद भले ही हम अनेक लोगों से सर्च करते हैं, शोध कर, जो शिष्य का अंधकार दूर कर रहे हैं और शिष्य को भगवद की तरफ लगा रहे हैं। तो जो भगवान को जानता नहीं वो तुम्हें भगवान तक कैसे पहुंचाएगा, हमें भगवान तक कैसे पहुंचाएगा? इसीलिए जो जो खुद पीएचडी नहीं वो हमें पीएचडी कैसे कराएगा? और यदि वो पीएचडी है भी सही, वो साइंस में पीएचडी है, हमको फिलोसफी में पीएचडी कैसे कराएगा? तो इसलिए स्ट्रीम को निश्चित करना, अपनी उपासना भावना को निश्चित करके, गुरुदेव से प्रार्थना करके, उनसे अटैच हो जाना, उनके आदेशों का पालन करना, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना और उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर धीरे धीरे भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, ये तो है प्रोसेस। और मैं बताऊं कि जीव का स्वरूप जो है वो कृष्ण दास है और कृष्ण का अंश ही है जीव। तो दासत्व का अभिमान, दासत्व की बात इसमें सदैव ही रहनी चाहिए। यदि ये अपने दासत्व को भूलता है तो समझिए कि ये जीव पतित हो गया, ये भगवान भक्ति के नाम पर नाटक कर रहा है। अब आप एक उदाहरण देखिए कि मेरी फैक्ट्री है, उसमें 40 आदमी काम करते हैं, उसमें एक चपड़ासी है, एक पानी पिलाने वाला है, 4 ऑपरेटर हैं, 4 मैनेजर हैं और एक सबसे बड़ा मैनेजर है। यद्यपि लोगों को अपॉइंट करना, सैलरी बढ़ाना, काम में लगाना, जो भी करना है वो सारा मेरा मैनेजर काम करता है, लेकिन मैनेजर ये कहे कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ तो मालिक उसको दूसरे दिन वहां से भगा देगा। वो भले ही कितना बड़ा मैनेजर क्यों ना हो, रहेगा वो दास, रहेगा वो नौकर ही, उस फैक्ट्री का मैनेजर ही रहेगा। इसलिए कोई भी गुरु कितना बड़ा भी ना बन जाए तो वो यदि अपने आप को जगत गुरु और मूल जगत गुरु और कृष्णम वंदे जगत गुरु के समान मानता है तो वो समझिए कि अपने मूल स्वभाव से ही पतित तो हो गया, वो उसका अपना ही कल्याण सत्यानाश हो गया, वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में, क्योंकि मैं गौड़ीय हूँ और गौड़ीय के बारे में जानता हूँ, सब संप्रदायों में जगत गुरु है लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास की भावना इतनी दृढ़ है कि बलदेव विद्याभूषण ने गौड़ीय संप्रदाय का गोविंद भाष्य लिखा। उन्होंने वो कार्य किया
जो रामानुजाचार्य ने किया, जो शंकराचार्य ने किया, जो वल्लभाचार्य ने किया, जो मध्वाचार्य ने किया, जो दूसरे दूसरे आचार्यों ने किया भाष्य लिखने का कार्य, लेकिन बलदेव विद्याभूषण ने न तो अपने आप को आज तक जगतगुरु लिखा, न किसी गौड़ीय ने उनको जगतगुरु लिखा। गौड़ीय संप्रदाय में अभी तक, आज तक, आगे कलयुग का प्रभाव क्या हो, कोई भी जगतगुरु नहीं है। और कोई लिखते हैं तो वो माध्व संप्रदाय के जगतगुरु हैं। गौड़ीय संप्रदाय में कोई भी अपने आप को आज तक जगतगुरु नहीं लिखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। वो ये जानता है कि मैं भले ही, मेरे 20,000 चेले हो गए, भले ही मेरे पूजा होने लगी, भले ही मैं गुरु बन गया, लेकिन बेसिकली मैं उस जनरल मैनेजर की तरह से हूँ, मैं हूँ नौकर ही, मैं हूँ दास ही, मैं गुरु जगतगुरु कैसे हो सकता हूँ? जगतगुरु तो कृष्ण ही हैं, या जगतगुरु वो हैं जिन्होंने भाष्य लिखे हैं, वो भी टेक्निकल है, लेकिन जगतगुरु कृष्णम वंदे जगतगुरुम, जगतगुरु कृष्ण ही हैं जिन्होंने इस जगत के लिए सर्वप्रथम ज्ञान के प्रथम आश्रय वेद को प्रकाशित किया, और प्रकाशित नहीं किया, स्वतः प्रकाशित हो गया अप्रयास, बिना चेष्टा के। तो जगत गुरु तो वही है, और जीव दास है, और दास के साथ साथ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, भैया वैसे तो बड़ा सरल है, लेकिन पीएचडी करने से तो सरल नहीं है, एक डॉक्टर बनने से तो सरल नहीं है। एक डॉक्टर बनने के लिए जब हम एक प्रॉपर प्री मेडिकल देते हैं, एक गाइड के अंडर में, एक यूनिवर्सिटी के अंडर में, एक कॉलेज के अंडर में रह के पढ़ते हैं, तो कृष्ण भक्ति क्या मूंगफली खाते खाते प्राप्त करना चाहते हैं हम? कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए हम कोई गाइड नियुक्त करना क्यों नहीं चाहते? हम किसी यूनिवर्सिटी से, किसी परंपरा प्राप्त। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजने ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम।